एंड यू से कि ये क्या कर रहा हूँ मैं, म्यूजिक, हेड बैंगिंग, पार्टीज, ड्रग्स एंड गर्लफ्रेंड्स एंड नथिंग एल्स, क्या मिलेगा मुझे? कुछ भी नहीं, कब्र है, कब्र में जाना है, और फिर वहाँ कुछ भी नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या? सो जो मैं ये कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, और हर मुसलमान चाहे नेक है या गुनाहगार है उसको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जो गुनाह हमसे होते हैं वो ठीक नहीं। द रियलिटी इज़ हमारा नफ्स बहुत बड़ी गलतियों और बुराइयों से भरा हुआ। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसमें एक बहुत कमाल की क्वालिटी थी, और वो ये थी कि उसका नफ्स उसको जो कहता और जो भी ऐसी बात जो कि सिर्फ हराम नहीं है यानी ईजीनेस पसंद करने वाली है, वो उसी बात कभी नहीं सुनता था, कभी नहीं मानता था, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट करता था। तो बात याद रखें, वकुल्लुहुम आती यौमुल क़ियामति फ़र्दा, हम सब ने अकेले आना अल्लाह के सामने क़यामत के दिन, तो फ़ायदा किसको होगा? व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहा नफ़्सा अनिल हवा, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया